तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे इंजीनियर से जो बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस हुआ है। आज उनसे हम ढेर सारी बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे इंजीनियर से जो बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस हुआ है। उस कंपनी का नाम है फिडिस्टो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर वो प्लेस हुए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा इंजीनियर आसिफ को और उनसे ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। तो आइए आसिफ, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बहुत अच्छी जगह प्लेस हुए हैं। थैंक यू सर। पूरी सिविल गुरुजी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो आसिफ, अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर, मेरा नाम आसिफ शेख है, मैं प्रॉपर महाराष्ट्र अमरावती सिटी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर मेरा डिप्लोमा हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने डिग्री भी वहीं से किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का इंटर्नशिप किया है फिर अमरावती में। बहुत बढ़िया आसिफ। तो सिविल गुरुजी के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, मैं YouTube वगैरह पे वीडियोस देखता था कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, जो स्किल्स है या जो भी नए नए कंसेप्ट्स है कंस्ट्रक्शन के, मुझे आदत थी YouTube वगैरह देखने की। तो वहीं से मुझे सिविल गुरुजी के बारे में पता चला वीडियोस देख के। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन था कि क्या सोचकर आए थे हमारे सिविल गुरुजी के बारे में, आपकी क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या होप थी हमारी सिविल गुरुजी से आपको? सर, सिविल गुरुजी जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो हमें कुछ स्किल्स सिखाता है इंडस्ट्री की, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल है, बिलिंग है, एस्टीमेशन है, क्वांटिटी सर्वे है, ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है आज इंडस्ट्री में एक साइट इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाने के लिए। ये सारी स्किल्स मुझे सीखना था, इसी की रिगार्डिंग मैं सिविल गुरुजी में आया था, ताकि मुझे ये स्किल्स सीखने को मिले और वो सारी स्किल्स मैं सीख भी पाया सिविल। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या बेनिफिट मिला आपको ट्रेनिंग करके हमारे सिविल गुरुजी में? सर, सिविल गुरुजी में जब मैंने ट्रेनिंग किया तो शुरुआत के कुछ दिनों बाद ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। पहले मैं चीज़ों को लेके क्लियर नहीं रहता था कि ये कंसेप्ट तो मेरे दिमाग में बैठ गया है, पर एक डाउट रहता था कि ये कंसेप्ट सही है, कितने परसेंटेज में सही है, मतलब मैंने जो ये कंसेप्ट सीखा है ये सही है, ये स्किल सही है मेरी। तो ये जो डर एक बैठा हुआ था मन में, वो डर सिविल गुरुजी में आके मेरा ख़त्म हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस, स्किल्स को लेके मेरी नॉलेज परफेक्ट हो गई। अब मैं डरता नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके, कि ये जो मैं रिप्लाई दे रहा हूँ किसी चीज़ पे, कोई कंसेप्ट किसी को बता रहा हूँ, तो ये मेरा गलत है या सही है, मुझे पता है 100% सही है, क्योंकि सिविल गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से क्लेरिफाई कर दिया है मुझे। अच्छा, तो कौन कौन से स्किल्स आपके परफेक्ट हो गए सिविल गुरुजी में आने के बाद? सर, जैसे कि मेरा परफेक्शन हुआ है एस्टीमेट में, उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वान्टिटी सर्वे है, नॉर्मल हमारा सर्विंग है, फिर उसके बाद बिलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग है, इस और चेकलिस्ट वगैरह, जो मेन ये चेकलिस्ट वगैरह जो चीज़ें है ये कोई सिखाता नहीं है। मैंने अदर ब्रांचेस भी देखे थे, अदर इंस्टीट्यूट भी चेक किए थे, जब मैं चेक कर रहा था ये सारी चीज़ें, तो ये जो चीज़ें थी वो सिविल गुरुजी को यूनिक बनाती है इन सब से। सिविल गुरुजी ने ये सारी स्किल्स और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ दी है साथ ही साथ। तो देखा इंजीनियर, जो टेक्निकल स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री के लिए, वो सिविल गुरुजी आज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सिखा रहा है। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको कहीं अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है अवेलेबल आपके लिए, जहाँ पर ये सारी स्किल्स आप बहुत ही जल्द और बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में आप सीख सकते हैं। आगे हम और भी ऐसी बात करेंगे हमारे आसिफ से, इनकी जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही है हमारे सिविल गुरुजी में। तो मेरा अगला क्वेश्चन आसिफ आपसे ये कि आपने जॉब्स कैसे फाइंड किए? सर, जैसे कि जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा था ट्रेनिंग का सिविल गुरुजी में, तो जैसे कि मैंने कहा कि सिविल गुरुजी एडिशनल भी बहुत सारी चीज़ें करवाता है अपने स्टूडेंट से, और सिविल गुरुजी ने पहले ही कहा था कि हम लोग जॉब नहीं प्रोवाइड करते हो, क्योंकि जॉब प्रोवाइड कर देंगे तो आपको उसकी कीमत पता नहीं चलेगी कि वो कैसे पाई है हमने जॉब। तो सिविल गुरुजी हमको उस कंडीशन में बना देता है, उस लायक बनाता है कि हम किसी भी जॉब या किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक करते हैं इंडस्ट्री का। तो हम प्रिपेयर तो हो चुके थे, हमारा लास्ट मंथ चल रहा था, तो सर ने हमको बताया कि जॉब कैसे सर्च करना है। अब जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस है, सिविल गुरुजी का तो पहले खुद ही एप्लीकेशन है जॉब बिल्डो। जॉब बिल्डो पे आप जाओ तो वहाँ पे वेबसाइट अवेलेबल हो जाती है, डायरेक्टली अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो हम वेबसाइट पे जाते तो बहुत सारे टास्क बार उसका जो ऊपर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, समझ नहीं आता इसकी लिंक कहाँ पे है, कैरियर्स कहाँ पे है, वो समझ नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें सिविल गुरुजी ने क्लेरिफाई करवाई। उसके बाद नौकरी.com है,
इंडीड है, अपना जॉब्स है, ये सारे एप्लीकेशन से जो सिविल गुरुजी ने हमको एडिशनल बताया है कि हमारा जॉब बिल्डर तो है ही है, तुमको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई नहीं करना है, रेगुलरली अप्लाई करते रहना है। जैसे कि पहले मेरा एक ये था कि मेरा रिज्यूम तो बना दिया था सिविल गुरुजी में जब मैं आया था, लास्ट मंथ में हमारा रिज्यूम बन गया था, बट मेरा ये था कि किसी कंपनी के एचआर को मैं ईमेल कर देता था मेरा रिज्यूम और मैं बैठता था कि चलो ठीक है 15 दिन 20 दिन बाद इसका रिप्लाई आएगा। पर सिविल गुरुजी ने वो क्लियर किया कि ऐसा नहीं होता है, उनको हर तरीके से हर तरफ से ईमेल्स आया करते हैं रिज्यूम के, तुम्हारा बार बार रिज्यूम उसको जाएगा तो तुम्हारा ऊपर रिज्यूम दिखते रहेगा एचआर को, तो तुमको कॉन्टेक्ट करेगा जी। और ये भी दिखाया है कि जो रिज्यूम हम लोग बनाते हैं, रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, रिज्यूम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमको ऐड करने होते हैं एडिशनल, वो मेरे पहले रिज्यूम में नहीं थे, फिर सिविल गुरुजी ने जब बताया तो मैंने उसको एडिट किया, फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने डाल के रखा था, मैं डेली डालता था 30-40 ईमेल डालता था, तो तकरीबन मैंने 200 या 250 कंपनीज़ के एचआर पे रिज्यूम डाला हुआ था मेरा, ईमेल किया हुआ था, और मैं ये रोज़ डेली करते रहता था, मेरी स्टडी तो चली रही थी, ऑन साइट ट्रेनिंग भी सिविल गुरुजी में चल रहा था और मैं फ्री टाइम में ये सारे काम करता था। तो लकीली मेरा एक दिन शॉर्टलिस्ट हुआ है रिज्यूम naukri.com के ज़रिए और मुझे ईमेल आया था एचआर से। जी बहुत बढ़िया। तो देखा इंजीनियर्स, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेल कर दिया और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको बार बार ये मेल्स आपको सेंड करने पड़ेंगे, उनसे फॉलोअप्स लेना पड़ेगा कि आपका रिज्यूम का क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन सेंड कर दिया, ऐसे ही हज़ारों एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास, लेकिन आपको आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होता है, और वो ईमेल आपको एक बार सेंड करने के बाद और भी भेजना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बार भेज दो, बट एक दो बार और सेंड करके देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार रिज्यूम भेज देते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 250 कंपनीज़ में भेजा तब इनको शॉर्टलिस्ट हुए। तो ऐसे ही आपको भी कंपनी सर्च करने पड़ेगी और उनके एचआरस को उस कंपनी में आपके रिज्यूमे और उनकी वैकेंसी चेक करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने मेल भेज दिया और आपका काम खत्म हो गया, उनसे फॉलोअप लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपके चांसेस बढ़ते हैं जॉब में पाने के, क्योंकि उनको दिखता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस कंपनी के लिए, आप क्यों जॉब पाना चाहते हैं, और आपके अंदर स्किल्स तो हम ऑलरेडी डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो आसिफ जी, कितने जॉब्स के आपको ऑफर आए थे ये बताइए पहले। ये तो मेरा एक साइड बाय साइड काम ही था, रोज़ ईमेल सेंड करना, और मैं जो जैसे कि मैंने बताया अपना जॉब्स है, इंडीड है, वर्क इंडिया है, इन सारे ऐप्स का जब मुझे सिविल गुरुजी से पता चला तो मैं इन पे भी रोज़ चेक करते रहता था कि कौन सी वैकेंसी किस एरिया में अवेलेबल है। पुणे में मुझे पुणे में जॉब चाहिए था तो मैंने चेक करना शुरू किया, उनको कॉल करना शुरू किया, कई कई से कॉल आता था कि चलो इंटरव्यू के लिए आ जाओ, आपका रिज्यूम वगैरह हमने चेक कर लिया। तो मैं उस टाइम मतलब मैंने 7 से 8 इंटरव्यू दे रखे थे, तो उसमें से मुझे 2 से 3 का ऑफ़र भी था, किसी का सैलरी कम था, किसी का ज़्यादा था, किसी का वर्क कुछ अलग था, कोई स्पेशलाइज्ड वर्क में था तो मुझे स्पेशलाइज्ड वर्क में नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाना था, इसलिए मैंने साइड बाय साइड ये ईमेल्स भी भेजना शुरू किया था और अप्लाई भी करता था, तो इंटरव्यू में भी जाता था मैं डेली देने के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो जब ये सिलेक्शन मेरा हुआ, इसके टाइम मेरे पास 2 ऑफर और थे और कंपनीज के। अच्छा, दो, अरे बाप रे, मतलब जहाँ लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है इनके पास ऑफर ही ऑफर थे। तो ऐसा होता है इंजीनियर, जब आपके पास टेक्निकल स्किल्स होती है ना तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, जॉब्स आपको ढूंढते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए। तो मैं आसिफ ये पूछना चाहूँगा कि फेडेस्टो बहुत बड़ी कंपनी है, मैंने भी वो नाम सुना है, फेडिस्टो के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूवर्स को। सर, मुझे फेडिस्टो जो कंपनी है मेरा सिलेक्शन हुआ है उधर से मेल आया था naukri.com के ज़रिए, तो उनके मेल में इंटरव्यू का टाइमिंग वगैरह सब लिखा हुआ था, फिर मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हुआ, इंटरव्यू जाके दिया मैंने। लकीली मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया था, हाफ सिलेक्शन तो वही हो गया था, फिर उन्होंने कहा था कि हम मेल करेंगे आपको आगे के बारे में। जब उनका मेल आया तो फाइनली उसी दिन मेरा शाम में सिलेक्शन भी हो गया था, मुझे मेल आ गया था कंपनी से। तो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस हुए थे आपसे? सर, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने स्टार्ट तो बेसिक क्वेश्चन से किया था, नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन एक सिविल इंजीनियर से होने चाहिए, बट उसके बाद वो इंटरव्यू और आगे चला तो वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आ चुके थे। उन्होंने एडवांस लेवल की क्वेश्चनिंग भी मुझसे की, जिसमें से
मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता थे, तो मैंने उस पर भी अपना नॉलेज उनको दिया, उनका आंसर किया। सिविल गुरुजी ही था तो उसी के कारण मैं वहाँ पे चुप नहीं बैठ पाया, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को मैं बोल ही पाया। बस एक दो ही कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन हुए थे जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, तो वहाँ पे मैं बस चुप रहा, बाकी तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाया उनका। अच्छा, मतलब आपने पूरे क्वेश्चन के वहाँ आंसर दिए, इसी यही एक कारण है कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर हुआ। तो एक और क्वेश्चन आता है हमारे इंजीनियर से, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी एक फ्रेशर थे सिविल गुरुजी में आने से पहले आपने ट्रेनिंग की, तो आज भी फ्रेशर्स पूछते हैं कि सर क्या फ्रेशर्स को जॉब है इंडस्ट्री में, तो उसका आंसर क्या करना चाहेंगे आप? आप भी एक फ्रेशर्स थे और उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी कंपनी में आपको अभी जॉब मिली है, तो अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या फ्रेशर्स के लिए अभी भी जॉब है इंडस्ट्री में? जी सर, बिल्कुल जॉब है फ्रेशर्स के लिए। ये जो एक बात है कि फ्रेशर्स है भाई, फ्रेशर्स को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मिथ है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हमें खुद को डेवलप करना होता है, स्किल्स हमारे अंदर क्रिएट करनी होती है। जॉब सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं फिडेस्टो में इंटरव्यू देने गया था। एक्चुअली वो एडवर्टाइजमेंट जो था वो एक सीनियर इंजीनियर के लिए था, उन्होंने लिखा हुआ था 4 से 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था उस पोस्ट के लिए, बट जब उन्होंने मुझसे बात की, मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके लिए इतना एक्सपीरियंस ही चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं वो आप वक्त रहते सीख जाओगे, इसलिए उन्होंने मुझे भी सिलेक्ट कर लिया। वो मैं क्यों हो पाया? मेरी स्किल्स और मेरी नॉलेज के कारण। अगर वो स्किल्स मेरे अंदर नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो मैं वहाँ इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। उसका आंसर यही है कि फ्रेशर हो, इस बात से कभी डरना मत। बात एक ही है कि अपने खुद को इतना डेवलप कर लो, स्किल्स और नॉलेज से भर दो, ताकि किसी भी फील्ड का या फिर किसी भी जगह आप इंटरव्यू देने जाओ तो वो इजीली क्रैक हो जाए, और वो होगा एक बार आप स्किल्स और अपना नॉलेज गेन कर लो। तो देखा इंजीनियर्स, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेशर एक टैग है जो हम कॉलेज से लेकर आते हैं, लेकिन अगर आपको जॉब्स करनी है तो आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। आपको जॉब में टेक्निकल स्किल्स की वजह से रखा जाता है, ना कि एक्सपीरियंस की वजह से। अगर आपको काम आते हैं जो एक सिविल इंजीनियर को आता है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? आप ही बताइए कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स आते हैं तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसा कि हमारे आसिफ ने बताया कि वो भी एक फ्रेशर थे, उन्होंने बस टेक्निकल स्किल्स अपने अंदर डेवलप की और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर जॉब्स फ्रेशर को नहीं, टेक्निकल और एक परफेक्ट बंदे को मिलती है। मैं परफेक्ट भी नहीं कहना चाहूँगा, इनफैक्ट जिसके पास टेक्निकल स्किल्स है उसके लिए जॉब्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में। तो अगर आपके अंदर भी टेक्निकल स्किल्स है तो आप घबराइए नहीं, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं अपने जॉब्स के लिए। नियर बाय हो, चाहे आपको किसी अच्छी कंपनी में हो, आप उस टेक्निकल स्किल जो रिक्वायर्ड है कंपनी को, वो आपके अंदर डेवलप कीजिए और आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। तो आसिफ, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे सिविल गुरुजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर, सिविल गुरुजी से बढ़िया प्लेटफॉर्म आज की डेट में नहीं हो सकता इंडस्ट्री में, ये मैं एक फाइनल कहना चाहता हूँ। क्योंकि सिविल गुरुजी में मुझे जो एक ब्राउचर मिला था, जो पता था कि ये स्किल्स मैं यहाँ आके सीखूँगा, इतना नॉलेज मेरा गेन होगा, फिर भी एक डाउट था कि कह तो रहे हैं सिविल गुरुजी, बोल तो रहा है, पर एक्चुअल हो पाएगा कि? क्योंकि मैं चीज़ें जल्दी सीख नहीं पाता था, मुझे टाइम लगता था चीज़ें सीखने, पर जिस तरीके से सिविल गुरुजी ने मेरा कॉन्फिडेंस गेन किया और आज इस लेवल पर मुझे खड़ा कर दिया है कि मैं स्किल्स और नॉलेज से भरपूर हूँ, किसी भी क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिगार्डिंग, तो सिविल गुरुजी मुझे बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा। और मैं आगे व्यूअर्स और दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूर सिविल गुरुजी ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत हेल्प कर रही है सब फ्रेशर्स की। मेन है कि जो फ्रेशर्स है आज मार्केट में, उनके लिए तो ये वरदान जैसे सिविल गुरुजी। तो हमारे ट्रेनिंग के बारे में भी बता दीजिए व्यूअर्स को कि कैसे ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर क्या हम ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो करने जा रहे हैं, तो क्या हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, ये मेरा भी क्वेश्चन था जब मैं सिविल गुरुजी ज्वाइन कर रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन ये हुआ था मेरा, शायद आप ही से बात हुई थी मेरी भी कॉल पे, मैंने भी इसी तरह कॉल किया था एक दिन। तो जब मैं सिविल गुरुजी आया, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी, समझा दी कि क्या इंडस्ट्री कैसे रन होती है, क्या क्या स्किल्स हम यहाँ सीखने वाले हैं, पहले उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। और वो रेगुलरली हमको साइट विजिट्स पे लेके जाते थे, हम दिन दिन भर 4-4, 6-6 घंटा साइट पे जाते थे, सारी की सारी बैच हमारी जाती थी और हम वहाँ एक्टिविटी परफॉर्म करते थे जैसे कि एक इंजीनियर साइट पे काम करता हो। हमें ऐसा नहीं लगता था हम कुछ सीख रहे हैं, हमें लगता था कि हम साइट पे काम कर रहे हैं।
इस तरीके से। और वहाँ पे हम जो एरर्स आते थे, जो डाउट नहीं आते थे मन में, वो डाउट सारे क्लियर कर देते थे। सर ये कोई नहीं करता आज इंडस्ट्री में, कोई किसी को सिखाने के लिए नहीं बैठा, कोई फ्री नहीं है। पर सिविल गुरुजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आपको बोलता ही नहीं, एक्चुअल साइट पे ले आके ऑन साइट ट्रेनिंग देता है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स मन में आए, कंसेप्ट क्लियर ना हो, वो कंसेप्ट यहाँ क्लियर करवाए जाते हैं। जैसे कि आप हो, और भी इंजीनियर थे, सर थे हमारे साथ, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। हम साइट पे जब भी हमसे कुछ गलती होती थी, जैसे कि सर्वेइंग है, बहुत सारी चीज़ें जो साइट पे होती है, तो आपको साइट एज वेल एज ऑफिस और स्किल्स, ये सारी चीज़ों सिविल गुरुजी भर देता है कि कैसे भी यार इनकम्प्लीट ना हो, आपको किसी भी जॉब रोल में डाला जाए या किसी भी तरीके का काम हो, तो आप वो करने के लिए कैपेबल बना देता है सिविल गुरुजी। जी जी, ये तो हमारा काम ही है सर। बहुत बहुत थैंक यू आपके रिव्यू के बारे में, और पूरे सिविल गुरुजी की टीम की ओर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा आपके जॉब्स के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। तो देखा है इंजीनियर्स, कैसे एक फ्रेशर्स को भी जॉब मिल सकती है इंडस्ट्री में। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल स्किल्स। अगर आप भी ऐसे ही टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनसाइट ट्रेनिंग को। हर महीने हमारी नई बैच स्टार्ट होती है, तो अगर आप भी करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो डिटेल जानने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। आगे हम और भी ऐसे ही हमारे इंजीनियर्स के रिव्यूज़ और आपके लिए टेक्निकल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और करना है कुछ खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।